हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफिप्स एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस। आई एम रमेश निषाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी सॉ 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल कंटिन्यू द सेम। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, व्हाई डज इट लुक लाइक अ मिरेज एमिड्स द डस्ट। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुकेश कौन है, उसका क्या स्वप्न है और उसका जो स्वप्न है वो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है जैसे वो डस्ट के बीच में, धूल के बीच में एक मृग तृष्णा है। मिरेज मीन्स होता है मृग तृष्णा। सो आंसर, मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। जो मुकेश है वो फिरोजाबाद के बैंगल मेकर, एक गरीब बैंगल मेकर का बेटा है। वेयर एवरी अदर फैमिली इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, और जहाँ पे हर दूसरा परिवार बैंगल निर्माण करने में लगा हुआ है, यानी चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। हिज पुअर फादर वॉज नॉट एबल टू रिनोवेट हिज हाउस और सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल्स, और उसके जो गरीब पिताजी हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपने घर का मरम्मत करा सके, रिनोवेट मीन्स मरम्मत कराना, या फिर अपने जो दो बेटे हैं उनको वो स्कूल भेज सके। मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, और जो मुकेश है वो अपना स्वयं का मास्टर बनना चाहता है। ही ड्रीम्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, और उसका एक स्वप्न है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। ही वांट्स टू ड्राइव अ कार लिविंग इन सच कंडीशन हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिरेज एमिड्स द डस्ट, और इस तरह से वो कार चलाना सीखना चाहता है और साथ ही साथ इस कंडीशन में जबकि वो इतना गरीब है फिर भी वो ऐसा सोचता है कि वो खुद का मास्टर बने, खुद वो मोटर मैकेनिक बने। सो इस तरह से जब वो कहता है तो वो ऐसा लगता है जैसे धूल के बीच में एक मृग तृष्णा के समान हो। सो इस तरह से उसका स्वप्न जो है ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the author say that the bangle makers are caught in a vicious web? Caught means होता है फंसा हुआ, vicious web means कष्टदायक जाल। So जो author है वो ऐसा क्यों कहती है कि जो bangle makers हैं, bangle makers के जो जितने भी परिवार हैं वो कष्टदायक जाल में फंसे हुए हैं। So answer, the family of bangle makers are caught in the vicious web of poverty. So जो bangle makers के जो परिवार है, bangle makers के जितने भी परिवार हैं वो लोग गरीबी यानी poverty यानी गरीबी के कष्टदायक जाल में वो लोग फंसे हुए हैं। They are forced to practice their ancestral profession. और उन्हें ये फोर्स किया जाता है कि वो अपने एंसेस्ट्रल प्रोफेशन मीन्स पैतृक जो व्यवसाय है उसे वो लोग करें, मीन्स ज़बरदस्ती करें। ग्रेजुअली दे रिमेन पुअर एंड इल क्लाड थ्रू आउट देयर लाइफ, और क्रमशः वो लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और कमज़ोर होते जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दे हैव नो मनी टू चेंज देयर प्रोफेशन, और दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग अपना व्यवसाय चेंज कर सके। दे कांट थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्स इनटू अ कोऑपरेटिव, पावरफुल पीपल कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री हेल्पलेस एंड पुअर, और वो लोग ऐसा भी नहीं सोच सकते कि वो लोग स्वयं का एक संगठन तैयार कर सके, किसी संगठित संगठन में भाग ले सके। और जो पावरफुल लोग हैं वो लोग इन जो वर्कर्स हैं बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी कारीगर हैं वर्कर्स हैं उनको असहाय छोड़ दिए हैं, हेल्पलेस मीन्स असहाय और गरीब छोड़ दिए हैं। सो इस तरह से उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, और इसीलिए ऑथर कहती है कि वो लोग एक तरह से विशियस वेब में फंसे हुए हैं, इट मीन्स कष्टदायक जाल में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली एंड येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, व्हाई डज द ऑथर से सो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सीमापुरी है वो दिल्ली के जो बाह्य सतह है वहाँ पे है, फिर भी ये मीलों दूर है,
वाई डज द ऑथर से सो, सो ऑथर जो है ऐसा क्यों कहती है? सो आंसर, सीमापुरी इज डेंसली पॉपुलेटेड विद हट मीन्स, जो सीमापुरी है वो अस्थायी रूप से बने हुए जो घर है जिसे हटमेंट्स कहते हैं, उनका एक घनी आबादी है, डेंसली पॉपुलेटेड है यानी घनी आबादी है। इन 1971 इट वॉज इनहैबिटेड इलीगली बाय मोर देन 10,000 रैग पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश, और 1971 की बात है। इनहैबिटेड मीन्स बसे हुए थे, इलीगली मीन्स अवैधानिक रूप से, और 1971 यानी 1971 में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग बांग्लादेश से यहाँ पे बसे हुए थे, अवैधानिक रूप से यहाँ पे बसे हुए थे। इट इज़ ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट इट इज़ माइल्स अवे फ्रॉम इट, और इस तरह से ये भले ही बाह्य सतह पर है, दिल्ली के बाह्य सतह पर है, फिर भी ये मिलो दूर है। पीपल लिव इन मड हाउसेज, और जो लोग हैं वो कच्चे घरों में रहते हैं, मड हाउस मीन्स कच्चे घर। इट इज़ डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, और ये जो है जो मल है, मल जल से रहित है, डिवॉइड मीन्स रहित होना, और सीवेज मीन्स मल जल से रहित है, एंड ड्रेनेज निकासी से रहित है, एंड रनिंग वाटर और इस तरह से वो मीन्स असुविधाएँ हैं यहाँ पर। दे हैव गॉट राशन कार्ड्स फॉर वुड्स एंड बाइंग ग्रेन्स, उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास राशन कार्ड है ताकि वो लोग वोट दे सके और राशन खरीद सके। दे हैव नो आइडेंटिटी, और उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है। विमेन मूव इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड साड़ीज मीन्स होता है फटे हुए, फटी हुई साड़ियाँ। तो जो महिलाएं हैं वो फटी हुई साड़ियाँ पहन करके वो लोग घूमते हैं। सो इस तरह से काफ़ी दयनीय स्थिति है। नेक्स्ट है, वॉट स्टोरी डिड अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टेल द ऑथरेज एंड इज यंग। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ओडीपी से आया हुआ एक व्यक्ति, ओडीपी का एक व्यक्ति, वो ऑथरेज को कौन सी स्टोरी सुनाता है, मीन्स उन्होंने कौन सी स्टोरी सुनाई। सो आंसर, वंस द राइटर मेट अ मैन फ्रॉम ओडीपी अबाउट द शूज, ही टोल्ड दैट एज अ यंग बॉय ही वुड डेली गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। यहाँ पे वो जो व्यक्ति है, ओडीपी से व्यक्ति है, वो अपनी एक स्टोरी बताता है जिसमें बताता है वो शूज के बारे में, जूते के बारे में। ही टोल्ड दैट एज अ यंग बॉय, जब वो छोटा लड़का था, छोटा बॉय था, तब वो क्या करता था, वो डेली स्कूल जाता था, कहाँ से होकर के जाता था, पास्ट एज एन ओल्ड टेम्पल, और वो जो है जब स्कूल जाता था तो वो पुराने मंदिर से होकर के गुजर करके वो जाता था। ऑन हिज वे ही वुड स्टे देयर फॉर सम टाइम टू प्रे टू द गॉडेस फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वो रास्ते में जाते जाते क्या करता था कि वहाँ वो रुक जाता था, मंदिर में रुकता था और वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करता था ताकि उसे वो एक पेयर शूज मिल जाए, एक जोड़ी शूज मिल जाए। हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट एट द टेम्पल, प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी, और उसके जो पिताजी थे वो एक पुजारी थे। फाइनली ही गॉट अ पेयर ऑफ शूज एंड बिकेम कंटेंटेड, और क्या हुआ कि फाइनल में उसे अंत में एक जोड़ी शूज मिल जाता है और वो जो लड़का है वो क्या हो जाता है, कंटेंटेड हो जाता है यानी संतुष्ट हो जाता है। सो इस तरह से उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, वॉट इज द एटीट्यूड ऑफ मुकेश फैमिली टूवर्ड्स देयर सिचुएशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह उनका कर्म है, यह उनका भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, कर्मा मीन्स कर्म। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह उनका कर्म है, यह उनका भाग्य है। इन वर्ड्स से मुकेश के जो परिवार वाले हैं उनसे कौन सा एटीट्यूड नज़र आता है, उनके द्वारा मीन्स उनका जो नज़रिया है वो किस तरह से नज़र आता है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में। सो आंसर, मुकेश ग्रैंड मदर सेज दैट हर हस्बैंड बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। तो जो मुकेश की जो दादी है, ग्रैंड मदर है, वो कहती है कि उनके जो हस्बैंड है
वो बैंगल निर्माण करने वाले, चूड़ी निर्माण करने वाले परिवार से वो बिलोंग करते थे। सी कॉल्स इट अ गॉड गिवन लिनेज, और वो कहती है कि ये भगवान का दिया हुआ वंशावली है। लिनेज मीन्स वंशावली। इट कुड नॉट बी ब्रोकन, और इसे नहीं तोड़ा जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता। हर हस्बैंड वेंट ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग अप बैंगल्स, सी कॉल्स इट हिज कर्मा। और उनके जो हस्बैंड है वो बैंगल को जब पॉलिश कर रहे थे तो उनसे निकलने वाले डस्ट की वजह से वो अंधे हो गए, और इसीलिए वो कहती है कि ये उनका कर्म था, इट इज़ हिज कर्मा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, मीन्स ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, बसंत का खो जाना, इससे इसका क्या अर्थ है, इससे हम क्या समझते हैं, इस टाइटल का मीनिंग क्या है? सो आंसर, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज द मैसेज दैट चाइल्डहुड इज लाइक द स्प्रिंग। सो जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इस टाइटल का जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ निकलता है वो ये है, बचपन से, यानी चाइल्डहुड एंड स्प्रिंग को एक जैसा माना गया है। क्यों माना गया है? एज एवरीथिंग ब्लूम्स इन हिज सीजन, इन दिस सीजन, इन द सेम वे द चाइल्डहुड शुड ऑल्सो ब्लूम। जैसा कि होता है कि बसंत की ऋतु में जो पेड़ पौधे हैं वो खिलने लगते हैं, जो जो फूल है वो खिलने लगती है, कलियां आने लगती है, सो वैसे ही जो बचपन का दिन रहता है वो भी मौज मस्ती से भरा हुआ रहता है। उस समय जो बच्चे रहते हैं, बच्चे वो काफ़ी ललायत रहते हैं, काफ़ी हर्षित रहते हैं, यानी बसंत की तरह। बट इन दिस चैप्टर वी केम अक्रॉस अबाउट द पॉवर्टी ऑफ साहिब एंड मुकेश। बट इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भिन्न है, मीन्स इन बच्चों का जो बचपन है वो खो गया है, ये लोग गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। साहिब एंड मुकेश, ये दो बच्चे, दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड, ये अपने बचपन खो चुके हैं। देयर चाइल्डहुड इज डिस्ट्रॉयड एंड डम्प्ड इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, डर्ट एंड डस्ट, सो दिस टाइटल इज सूटेबल। और इनके जो बचपन है वो बचपन खो चुका है, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, एंड इनका जो बचपन है वो गरीबी की वजह से नष्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट होना, एंड सो दिस टाइटल इज सूटेबल, और इसीलिए ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग वो सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनिस जंग वांट टू रिवील इन हर स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो जो एनिस जंग है वो अपनी स्टोरी के माध्यम से क्या प्रकट करना चाहती है, क्या बताना चाहती है, और उनकी जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सो आंसर, एनिस जंग हैज़ प्रेजेंटेड टू स्टोरीज इन हर स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो स्टोरी है, इस लेशन में एनिस जंग ने दो डिफरेंट स्टोरीज बताई है, दो बच्चों की, एक साहिब की स्टोरी और दूसरी मुकेश की स्टोरी। बिटवीन दीज टू स्टोरीज वन डेपिक्ट्स द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड पिटिएबल कंडीशन ऑफ लाइफ एंड द अदर ट्रेडिशन दैट कंडेम द चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सो यहाँ पे वन जो स्टोरी है वो बताती है, प्रकट करती है, डेपिक्ट्स मीन्स बताती है, एक्सट्रीम पॉवर्टी मीन्स अत्यधिक गरीबी, पिटिएबल कंडीशन मीन्स होता है दयनीय स्थिति, एंड कंडेम मीन्स निंदा करना, एक्सप्लोइटेशन मीन्स होता है शोषण। सो यहाँ पे जो स्टोरीज है, इन दोनों स्टोरीज में क्या बताई जाती है, अत्यधिक गरीबी बताई जाती है, अत्यधिक गरीबी दिखाई जाती है। इसके अलावा जो दयनीय स्थिति है, पिटिएबल कंडीशन है, वो बताई गई है लाइफ की। एंड दूसरी तरफ ये जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, वो काफ़ी निंदनीय है, एंड जो बच्चे हैं उनका काफ़ी शोषण किया गया है। तो ये सारी बातें इस लेशन के माध्यम से बताई गई है। द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी एरिया, और सीमापुरी एरिया के रैग पिकर्स यानी कूड़े कबाड़े, कूड़े कचरे बीनने वाले, बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी निर्माण करने वाले, ऑल लिव इन स्लम एरियाज,
ये सभी कहाँ रहते हैं? स्लम एरिया में, मीन्स झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। सो ये सारे ऐसे ही घरों में रहते हैं। इवन आफ्टर मच टॉयल दे डू नॉट गेट फुल मील, और अत्यधिक परिश्रम, टॉयल मीन्स होता है अत्यधिक परिश्रम करना, और अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद भी वो लोग अपना भरपेट खाना भी जुगाड़ नहीं कर पाते। इट मीन्स वो लोग भरपेट खाना भी नहीं प्राप्त कर सकते। सो इस तरह से इनकी काफ़ी दयनीय स्थिति है। सो इस तरह से हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।